नमस्कार। आज मैं आपको हाथों से मास्क बनाने का बहुत ही सरल तरीका बताऊंगी। इसे आप हाथ से और मशीन से दोनों तरीके से बना सकते हैं। मैं इसे हाथों से बनाऊंगी बिना मशीन का इस्तेमाल किए। यह बहुत ही कम समय में और कम कपड़े में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कॉटन का स्क्वायर पीस लिया है। इसकी विड्थ है 11 इंच और लेंथ भी 11 इंच। अब हम इस कपड़े को इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम इसे यहाँ से फिर से फोल्ड करेंगे। अब हम इसे फिर से एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे इसके सेंटर में इस तरह निशान लगा लेंगे। ये देखिए, हमने सेंटर में निशान लगा लिया। अब इस तरह से, अब यहाँ से हम 5 इंच में निशान लगाएंगे। इसी तरह यहाँ से भी 5 इंच में निशान लगाएंगे, और यहाँ से गुलाई देते हुए हमें यहाँ तक लानी है। इस तरह से गुलाई देंगे। देखिए, इस तरह से हमने गुलाई लगा ली। अभी हम यहाँ से 1 इंच में निशान लगाएंगे, और इस तरफ भी 1 इंच में निशान लगाएंगे, और इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। देखिए, मिला लिया हमने। अब देखिए, ये हमारी जो यहाँ पे से ओपन साइड है, यहाँ से हम बिल्कुल इस निशान से और इस निशान के बिल्कुल सेंटर में निशान लगाएंगे। यहाँ से हम आधा सेंटीमीटर नीचे की तरफ खींचेंगे इस तरह से। देखिए, आधे सेंटीमीटर भी खींच लिया हमने। अब हम यहाँ से इस तरह गुलाई देते हुए यहाँ तक लाएंगे, हल्की हल्की सी गुलाई देंगे इस तरह से। तो ये गुलाई दे दी हमने, ये हमारी मार्किंग हो गई। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब यहां से कट कर लेते हैं। देखिए, और इसको भी कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारी कटिंग हो गई। अब हम इसे इस तरह से खोलेंगे। इस तरह से हमारे दो पीस कट हो गए। ये हमारा सीधा हिस्सा है कपड़े का। अब इसका भी सीधा हिस्सा हम इस तरह रखेंगे, इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक सुई धागे से सिलाई कर लेंगे। देखिए, इस तरह मैंने मैचिंग धागा डाल लिया सुई में। अब यहाँ से लेंगे हम इस तरीके से। देखिए, इस तरह सिलते हुए हम यहाँ तक ले आएंगे इसे, यहाँ से यहाँ तक सिलते हुए ले आएंगे सुई धागे से। देखिए, यहाँ सुई धागे से सिलते हुए हम यहाँ तक ले आए। अब यहाँ पक्का कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम फिर से यहाँ से सिलते हुए यहाँ तक लाएंगे सुई धागे से, ताकि हमारी ये सिलाई पक्की हो जाए। इस तरह से दोबारा से इसी सिलाई के ऊपर हम दोबारा सिलाई करेंगे इस तरह से। देखिए, हम यहाँ से दोबारा सिलाई करते हुए यहाँ तक ले आए। अब इसे हम पक्का कर लेंगे इस तरह से, और धागे को कट कर देंगे। अब हम इसे इस तरह से करेंगे, इस तरह से मिलाएंगे, और जो हमने सिलाई की थी इसे इस तरह से खोल लेंगे बीच में से। इस तरह खोलेंगे, ऐसे करते रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से पूरी सिलाई को इसी तरह कर। देखिए, इस तरह से हमने सिलाई को अच्छी तरह से ओपन कर लिया, इस तरह कर लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे, इस तरह से करेंगे। कि हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लिया है, इस तरह से यहाँ पे पक्का कर देंगे इस तरह से। अब हम फिर से यहाँ पे दोबारा सिलाई यहाँ से यहाँ तक सिलाई लाएंगे, जैसे हम पहले की थी हमने सिलाई। इस तरह इसमें भी डबल सिलाई कर देंगे सुई धागे से।
देखिए हमारी दूसरी सिलाई भी हो गई यहाँ पे। अब हम यहाँ से पक्का कर लेते हैं, धागे को कट कर लेंगे। अब हम इसे यहाँ से पलट लेंगे, इस तरह सीधा कर लेंगे यहाँ से। देखिए हमने इस तरह से इसे सीधा कर लिया है। अब हमारे ये दोनों खुले हिस्से हैं तो इन्हें हम थोड़ी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से अंदर हमने आधा आधा इंच फोल्ड कर लिया है इस तरफ, इसी तरह इस तरफ भी अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। देखिए हमने इस तरह से इसमें आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ लिया दोनों तरफ से इस तरह से। अब मैंने 6 इंच की 2 इलास्टिक कट किए इसमें इस तरह से। अब एक इलास्टिक लेंगे, उसे इस तरह रखेंगे, अंदर की तरफ डालेंगे लगभग आधा इंच। अब इसे हम सुई धागे से सिलाई करेंगे। पहले हम इलास्टिक को यहाँ पर अच्छी तरह से पक्का कर लेते हैं ताकि हमारी इलास्टिक निकले ना। यहाँ तक सिलाई कर लिया हमने। अब हम इस सिरे को इसके अंदर डालेंगे इस तरह से। इलास्टिक का दूसरा सिरा हमने इस तरफ डाल दिया और इसकी सिलाई पूरी कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे पक्का कर लेंगे इस तरह से। देखिए अब इस तरह पलट के इस सिलाई को दोबारा यहीं तक लाएंगे जहाँ से हमने शुरू करी थी। अब यहाँ पर हम धागे को पक्का कर लेंगे, उसे कट कर देंगे। देखिए हमारी एक तरफ इलास्टिक लग गई, इसी तरह हम इस तरफ भी इलास्टिक लगा लेंगे। देखिए जिस तरह हमने यहाँ पे इलास्टिक लगाई थी इस तरह हमने इस तरफ भी इलास्टिक लगा ली। दोनों तरफ हमारी इलास्टिक बन चुकी है इस तरह से। देखिए हमारा मास्क बिल्कुल रेडी है। देखिए ये बहुत ही आसान तरीका है मास्क बनाने का, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और फ्रेंड्स अगर मास्क बनाने का मेरा तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।